हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मनी एंड फाइनेंशियल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लीजिंग। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होते हैं? लार्ज सम ऑफ मनी डज नॉट हैव टू बी फाउंड एट वंस। हमें वही होता है, एक बार में क्या होता है, ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं। स्प्रेड पेमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पेमेंट क्या होता है? छोटा छोटा हमें अलग अलग टाइम में बढ़ जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? हाई इंटरेस्ट इज ऑफन चार्ज। इसमें भी क्या होता है, हमें हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है। आइटम डजेंट बिलोंग टू द बिजनेस। लेकिन जब तक हम उसका पेमेंट नहीं कर देते, तब तक वो आइटम हमारे बिजनेस का नहीं कहलाता है। कुछ एडवांटेजेस इसके और है, इम्प्रूव्ड कैश फ्लो। ये हमारे बिजनेस का क्या करता है, कैश फ्लो इम्प्रूव करता है। लीजिंग कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ आइटम। जो कंपनी होती है, जो लीजिंग, जो उसको उधार पे सामान दे रही है, जब तक वो पैसा नहीं दे देता, तब तक क्या करना पड़ता है, उसको अपने पास मेंटेन करके आइटम रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तब तक वो अपने पास आइटम नहीं ले जा सकता कंपनी, जब तक वो उसके पेमेंट नहीं कर देता। ठीक है, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो जाता है? कंपनी, लीजिंग कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।